ए जी, तुम हंसते खेलते रहा करो। ये चुप्पी क्यों लगी है तुम्हें आज? कारोबार में कोई अटकल है या मुझसे कोई गलती हुई है महाराज? नंदिनी, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए अंदर से चुप हूं। तू ही सुना दे कुछ मजे का। अच्छा जी, तो लो सुनो, आज की सबसे बढ़िया खबर सुन लो, और वो ये है कि मैं अली जी के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। भगवान जाने मैं कब माँ बनूंगी। तेरा मन क्या कहता है रे? मेरा मन कहता है तू जल्दी माँ बन जाएगी, पता नहीं अब भगवान की क्या इच्छा है। भगवान की तो वही इच्छा होती है जो उसके सेवक की खुशी हो। पता है दिवाली आ रही है ना, मैंने औलाद के लिए खास तौर पर पूजा रखवाई है। अच्छा किया, पर अपना इलाज भी करवा किसी अच्छे डॉक्टर से। सुना तेरा वो पुराना हकीम तो आजकल बड़े घर की यात्रा पे। हाय राम, तुझे किसने बताया? ले, मेरी रोमांटिक पत्नी की नाक में मक्खी भी बैठी है ना, तो उस पंछी की भी जन्म कुंडली बनवा लेते हम, ये तो फिर नत्थू था। उस कल मुहे के तो नसीब अच्छे थे जो पुलिस आ गई, वरना मैं तो उसके टुकड़े करके गंदे नाले में बहा देती। कितना कष्ट उठाना पड़ा मेरे रतन को उसकी वजह से। चल अच्छा है ना, तुझे ये तो पता चल गया कि नीम हकीम खतरा जान होता है। रे मेरी जान तो तुझ में है। ले मांग भर दे ताकि मेरी आत्मा को चैन आ जाए। मरी तो है। रे तुझसे तो मैं दिन में 100 बार भी मांग भरवाऊं ना तब भी कम है। चल बाय। अच्छा सुन, शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा चला जा। रे सुनना, जो आज तू काम पे जाए ही ना तो थोड़ा काम, थोड़ी देर तो जा। चल जा। रूप की रानी तुझसे कहे बार बार, सरगोशियों में खामोशियों में किसने आकाश। अरे सुंदर लग रही है आज तो। कैसी है मेरी चिड़िया? क्या करो पाजी, चिड़िया नहीं बुलबुल। चिड़िया बोलोगे तो मैं खबरें भी मांगूंगा। तभी तो कह रहा हूँ, जरा अंदर की खबरें तो देख क्या पक रहा है। सीता के सिरी पाए पकड़े, आपके खिलाफ जितनी भी साजिश की थी ना उसने सब पकड़ी गई है, और रतन भैया और सीता का कुछ मामला भी गड़बड़ चल रहा है। प्यार के दुश्मन यूं ही ख्वार होते हैं। मैं तो तुझे कहता था पहले ही चक्री है, तू ही थी उसके प्यार में दीवानी हुई पड़ी थी, और अब आपके प्यार में पागल है। तो आ जाना आज रात को मेरे घर, सारा पागलपन भाग जाएगा। नहीं नहीं अकाल जी, घर में तूफान आया हुआ कि क्या बताऊं आपको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी आने की। अरे छोरियो, नीचे हमारी बिजनेस पार्टनर ने मेला लगा रखा है, तूने यहाँ तिल लगाए हुए? नहीं दीदी, मैं तो। और तू, तेरा पैर इतना खुल गया कि तू सीधा आके कोठे पर हम जमाने लगा, कब से चल रहा है ये सब? इतना नन्ना ना बन, मैं तेरी खातिर सारे जमाने से युद्ध लड़ रही हूँ, तू यहाँ रंगबाजी कर रहा है। देख मुझसे झूठ ना बोलियो, नहीं तो सर पे हाथ रख के रोएगा। नहीं नहीं नंदिनी जी, आपसे मैं मजाक कर रहा था, वो तो आप तो मेरी अपनी है, आपसे क्या छुपाना। बस 2-4 बार ही आया हूँ मैं आपकी छत पे। अब ना आना, सीधे रास्ते से आइयो और आके रतन से माला का हाथ मांग ले सीधे तरीके से। बस वो तुलसी तेरे आंगन की मतलब सीता बागड़ी का तो फैसला हो जाए फिर आऊं। अरे उसका तो पत्ता वैसे ही कट गया, उसकी पवित्रता का भरम तो खुल गया और उसे अपनी ही पड़ गई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खत्म कब होगी? जल्दी है क्या? हाँ, जितनी माला रानी की शादी में देरी हो रही है मुझे उतनी ही जल्दी है, समझा? समझ गया।